तो स्वागत है आपका लास्ट एपिसोड में, जिसमें हम करेंगे फाइनली अंडमान ट्रिप को कंक्लूड। इसमें हम डिस्कस करेंगे वो 7 चीज़ें अंडमान ट्रिप को परफेक्ट बनाने के लिए जो कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो आपको कभी नहीं बताएगी। नमस्कार, जय माता दी। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो मतलब आपने मेरी पिछली सारी वीडियोज़ देख चुके हैं, और अगर आपने उसको देख लिया है तो उसके लिए सबसे पहले थैंक यू, और अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उनको पहले देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो में आए ताकि आप अपने अंडमान ट्रिप को फाइनली अच्छे से कंक्लूड कर सकें। तो ये जो वीडियो रहेगा इसमें हमने पिछले जितने दिनों में जो कुछ भी देखा उसको एक वेल राउंड मैनर में कंक्लूड करेंगे, ताकि आप अपने प्लान को बहुत इजीली बना पाएँ और इस वीडियो से सब समझ पाएँ एकदम क्लियरली। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कुछ मेन मेन पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि सबसे पहले होटल्स कहाँ कहाँ रहना चाहिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्लेसेस टू विज़िट। हम उसको एक साथ इटिनरी में बता दूंगा कि कहाँ कहाँ हमें घूमना चाहिए और किस किस दिन जाना चाहिए। और एक तीसरी चीज़ हम देखेंगे वाटर स्पोर्ट्स, हमें क्या क्या वाटर स्पोर्ट्स करने चाहिए। देखो, वाटर स्पोर्ट्स तो हम सब करेंगे, यहाँ की मोस्ट अट्रैक्टिव चीज़ है वाटर स्पोर्ट्स, तो बट उसको कैसे डिवाइड किया जाए अलग अलग दिनों में कि हम उसका बेस्ट एक्सपीरियंस ले सकें। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे क्रूज़ में हम देखेंगे कि हमें कौन से क्रूज़ से एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाना हमारे लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे यहाँ पे हमारा बजट, मुझे सबको सबसे ज़्यादा पसंद है कि हमारा कितना बजट लग सकता है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी करेंगे अलग अलग चीज़ों के लिए। उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन कि आप कौन सी जगह पे कौन से आइलैंड पे क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। उसके बाद हम देखेंगे सेलुलर जेल के बारे में फाइनली, क्योंकि सेलुलर जेल हमें हमारी हिस्ट्री में लेके जाती है और वो देखना मस्ट है, तो किस तरह से देखें ताकि आप इंजॉयमेंट भी फुल ले सकें और अपनी हिस्ट्री को अच्छे से जान भी सकें। सबसे पहले हम देखेंगे होटल्स। सबसे पहले मैं 3 जगहों पर रुका हूँ, पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक और नील आइलैंड। पोर्ट ब्लेयर में मैं रुका था 1200 में पार्क इन होटल में। अच्छा होटल है, डिसेंट होटल है, डोरबेल से रूम्स हैं, बहुत लग्जरियस रूम नहीं है बट हाँ स्टे के लिए अच्छे एसी रूम्स आपको मिल जाएंगे। तो उसके बाद मैं सेकेंड रुका हूँ हैवलॉक आइलैंड में। हैवलॉक आइलैंड में मेरा जो होटल था वो बीच साइड होटल था, प्रॉपर अच्छा होटल था, उसका अपना बीच था। मैं रात को 10-11 बजे तक उसके बीच में बैठा था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी और वो होटल मुझे पड़ा 1500 रुपीज़ पर डे में। हाँ, यहाँ बार्गेनिंग अलाउड है तो बार्गेनिंग ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे उसने 2500 इनिशियली बोला एंड मैं 1500 पे एग्री किया। उसके बाद थर्ड होटल देना आता है जो मैं रुका हूँ नील आइलैंड में। नील आइलैंड में मैं रुका हूँ ब्रेक वाटर्स में। ठीक है, ब्रेक वाटर्स भी बीच साइड होटल था, वो मुझे पड़ा 1500 रुपीज़ में, बट उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, वो भी बीच साइड होटल और वो भी अच्छे रूम से एकदम न्यू होटल बना था। और यहाँ ब्रेकफास्ट में अगर आप ब्रेड ऑमलेट और चाय भी पीते हैं वो भी 150-200 रुपीज़ कॉस्ट कर देगी आपको। तो मान के चलिए 1300 रुपीज़ रेंट था नील आइलैंड में भी। तो इसी हिसाब से अपना होटल डिसाइड करें। थैंक यू। अब एक आता है हमारे पास प्लेसेस टू विज़िट। तो हम टोटल रहे हैं 5 दिन यहाँ पे, 5 में से हम 3 जगह घूमे। सबसे पहला पोर्ट ब्लेयर, सेकेंड हैवलॉक एंड द थर्ड वन वॉज नील आइलैंड। ठीक है, तो 5 दिन में मैंने इसको कैसे डिवाइड किया। सबसे पहले मैं फर्स्ट डे आया हूँ यहाँ पर, पोर्ट ब्लेयर पहुँचा हूँ। पोर्ट ब्लेयर पहुँच के मैंने फर्स्ट डे ही इमीडिएटली पोर्ट ब्लेयर में रॉस आइलैंड घूमा। रॉस आइलैंड घूमने के बाद मैं वापस आया और कॉर्बिन केव्स बीच गया। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट डे का टोटल वाइंड अप था। उसके बाद मैं सेकंड डे आया, सेकंड डे में मॉर्निंग में गया सेलुलर जेल देखने के लिए। ठीक है, सेलुलर जेल जब मैं देख के वापस आया तो उसके बाद मेरी हैवलॉक के लिए क्रूज थी, मैंने हैवलॉक के लिए क्रूज पकड़ी, हैवलॉक पहुँच गया। इवन तो मेरी क्रूज़ 1 आवर लेट हो गई थी, तो मैं उस दिन वहाँ जाके कुछ कर नहीं पाया। तो जो मैंने होटल लिया था वो बीच साइड होटल था, जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो उस होटल में मैं रुका हूँ। वो रात को 10:00-11:00 तक उस होटल के बीच में ही बैठा आराम से, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, उसको इन्जॉय किया। थर्ड डे मैंने लोकल बीचेस को सारा एक्सप्लोर किया हैवलॉक आइलैंड के। 3 बीच है, माइनर बीचेस और एक मेजर बीच है जिसको हम सनसेट बीच बोलते हैं। जो मेजर बीच है वो है राधानगर बीच, जो मैंने एंड में सनसेट के टाइम पे कवर किया, और पहले 3 जो माइनर बीचेस हैं वो मैंने पहले कवर कर लिए, जिसमें से गोविंदनगर बीच, विजयनगर बीच और काला पत्थर बीच। ठीक है, ये मेरा था थर्ड डे का इटिनरी। उसके जो फोर्थ डे आया, फोर्थ डे में मॉर्निंग इटसेल्फ ट्रैकिंग करके एलिफेंट बीच तक गया, स्पेशली बता रहा हूँ, ट्रैकिंग करके गया, वो बोट के थ्रू नहीं गया मैं, ट्रैकिंग करके गया और उसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। और ट्रैकिंग करके जब एलिफेंट बीच पहुंचा, वहाँ ट्रैकिंग करके वापस आया हूँ। उसके बाद मैंने वहाँ से क्रूज़ पकड़ा, क्रूज़ पकड़ के मैं गया नील आइलैंड। तो जब नील आइलैंड पहुंचा, अगेन मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया था, लेट हो गया था, तो और मैं थक भी काफ़ी गया था क्योंकि ऑलरेडी 4th डे था घूमने का। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उस दिन रेस्ट करूँगा।
उस दिन मैंने रेस्ट किया, बट अगर आप चाहें तो उस दिन लक्ष्मणपुर वन बीच में जा सकते हैं। अगर आप टाइम पे पहुंचेंगे लक्ष्मणपुर वन बीच जो सनसेट बीच है वो उस दिन जाएंगे तो बेस्ट आपको दिखेगा। बट और उसके नेक्स्ट डे जो मेरा फिफ्थ डे था, फिफ्थ डे में मैंने सबसे पहले सारे बीचेस एक्सप्लोर करे। पहला बीच जो मैंने एक्सप्लोर किया वो था लक्ष्मणपुर टू बीच। लक्ष्मणपुर टू बीच जो है वो वहाँ का यूनिकनेस है नील आइलैंड की, जिसकी वजह से नील आइलैंड चल रहा है। उसमें है नेचुरल ब्रिजेस वहाँ पे मैंने देखे। उसके बाद मैंने देखा सीतापुर बीच वैसे सनराइज़ के लिए पॉपुलर है, अगेन आप सनराइज़ के लिए वहाँ जा सकते हैं, बट मैंने ऑलरेडी सनराइज़ हैवलॉक में देख चुका था इसलिए मैं नहीं गया हूँ वहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट था वो लक्ष्मणपुर वन बीच था, वो भी मैंने सेम डे कवर किया। उसके बाद लक्ष्मण भरतपुर बीच था, भरतपुर बीच में मैं बैठा हूँ क्योंकि एंड में सब कवर करके फाइनली रिलैक्स करने के लिए मैं भरतपुर बीच पर गया। फिर वहाँ से वापस जाके मैंने अगेन क्रूज पकड़ा और मैं पोर्ट ब्लेयर आया, और पोर्ट ब्लेयर वापस आके मैंने सेलुलर जेल में लाइटनिंग शो देखा जो कि मस्ट वॉच है सबके लिए। और इसके साथ मैंने फाइनली फिफ्थ डे को भी कंक्लूड किया। अब मैं आपको बता दूँ वाटर स्पोर्ट्स के बारे में। वाटर स्पोर्ट्स जो है आपको एक दिन में सारा वाटर स्पोर्ट्स नहीं करना है, वाटर स्पोर्ट्स को अलग अलग दिन में डिवाइड करना है ताकि आप हर दिन वाटर स्पोर्ट्स का मज़ा ले सकें। जैसे कि जो फर्स्ट डे होगा ना आपका वाटर, जिस दिन आप पोर्ट बिलो रहेंगे उस दिन आप जेट स्कीइंग कर सकते हैं। जेट स्की जो है कॉर्बिन केव्स बीच में कीजिए, और उस दिन आप खाली एक ही वाटर स्पोर्ट करिए जेट स्कीइंग, ताकि आपका इंजॉयमेंट हो जाए उस दिन का पर्टिकुलर डेट का वाटर स्पोर्ट्स के रिलेटेड। फिर जब सेकेंड डे आता है, सेकेंड डे आप स्कूबा डाइव अगर करने जाते हैं तो एलिफेंट बीच मत जाइए, और अगर आप एलिफेंट बीच जाते हैं तो स्कूबा डाइव करने मत जाइए। दोनों को डिफरेंट डेज रखिए। तो अगर मैंने सेकेंड डे में स्कूबा डाइव किया तो मैं एलिफेंट बीच नहीं गया उस दिन मैंने लोकल सारे बीचेस एक्सप्लोर किए, जैसे कि आपको बताया विजयनगर बीच, राधानगर बीच एंड ऑल दोज बीचेस। तो वो सब मैंने सेकेंड डे। देन थर्ड डे मैं एलिफेंट बीच गया। एलिफेंट बीच जो अंडमान निकोबार का बेस्ट बीच है वाटर स्पोर्ट्स के लिए, वहाँ जाके मैंने बाकी के वाटर स्पोर्ट्स ख़त्म किए। तो वाटर स्पोर्ट्स को अगर आप इन तीन चीज़ों में तीन दिनों में डिवाइड करेंगे तो आपका वाटर स्पोर्ट एक्सपीरियंस बेस्ट रहेगा, ना कि आप एक दिन में ज़बरदस्ती में सारे एक साथ कर दें और बाकी बाद में दिन आप बोर हो जाएं। और उसके बाद आता है आपका सेलुलर जेल आप एक दिन में मत देखिए नॉर्मल शो और लाइटनिंग शो। जिस दिन आप सेलुलर जेल विज़िट करने जाते हैं ना, उस दिन आप नॉर्मल विज़िट कीजिए, और उसके बाद आप किसी बीच में चले जाइए ताकि आपका एक बीच का जो भीगना है और सेलुलर जेल का जो रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट है वो दोनों आप एक दूसरे को बैलेंस कर दें, ठीक है। तो सेलुलर जेल जब आप जाते हैं मॉर्निंग में घूमने के लिए तो उस टाइम पे आप गाइड ज़रूर करें। गाइड जो है वो मस्ट है, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। गाइड मैंने किया था, मैंने पर्सनली गाइड किया और उसने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। तो अगर आप गाइड करेंगे तो आप उस टाइम पे वापस जा सकेंगे जिस टाइम पे ये सेलुलर जेल की कंस्ट्रक्शन हुई और जो हमारे क्रांतिकारियों पे जो अत्याचार किए गए उस चीज़ को आप एक्चुअली फील कर पाएंगे, उस पेन को फील कर पाएंगे। और जो लाइटनिंग शो है वो भी आप ज़रूर देखें। वो मेरे हिसाब से जैसे मैंने लास्ट डे देखा था आप भी ऐसे ही देखें। अपने पूरे ट्रिप को कंक्लूड करने के लिए जब थक गए होंगे वहाँ जाके आराम से बैठिए और लाइटनिंग शो का इंजॉयमेंट कीजिए, जो आपको एक सूदिंग इफेक्ट देगा और आपको अपनी हिस्ट्री को एक लाइटनिंग शो के थ्रू बताएगा जो मस्ट वॉच और बहुत सुंदर दिखता है। उसके बाद हम आते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे। तो पोर्ट ब्लेयर में आई थिंक पास चीज़ें हैं, आप ऑटो से एक्सप्लोर करेंगे तो बेटर है, क्योंकि आप स्कूटी ले लेंगे तो आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। तो मोस्टली ऑटो में अगर आप 300 रुपीज़ में आपका सारा कवर हो जाएगा। हैवलॉक में आप स्कूटी ज़रूर लें क्योंकि उसमें जो आइलैंड थोड़ा बड़ा आइलैंड है उसके बीचेस थोड़े दूर दूर हैं, तो एक बीच में जाने के लिए आपको टाइम लग जाएगा, तो ऑटो वाला काफ़ी ज़्यादा पैसे लेगा, इतने में आप पूरे स्कूटी का खर्चा निकल जाएगा आपका। तो हैवलॉक में स्कूटी ज़रूर करें। देन अगेन नील आइलैंड में थोड़े दूर दूर आइलैंड तो नहीं है, वहाँ के आइलैंड पास है, बट अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है, तो प्रॉबेबली ऑटो और स्कूटी का खर्चा बराबर आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा करना है, ऑटो करना है स्कूटी करना है, आप खुद डिसाइड कीजिए, बट उन दोनों का खर्चा आपको अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही आने वाला है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है क्रूज़ के लिए हमारे पास रहते हैं दो ऑप्शन रहते हैं क्रूज़ के लिए। पहला रहता है गवर्नमेंट क्रूज़, सेकेंड रहता है प्राइवेट क्रूज़। मैंने दोनों में ट्रैवल किया, मैं चाहता था डिफ्रेंशिएट करूँ गवर्नमेंट क्रूज़ या प्राइवेट क्रूज़। या प्राइवेट क्रूज़ में ऐसे भी हमारे पास तीन ऑप्शन रहते हैं, बो नॉटिका, ओशन ग्रीन और तीसरा मैक्रूज़। तो मैंने अलग अलग में ट्रैवल किया अलग अलग टाइम पे ताकि मैं आपको बता सकूँ कि कौन सा बेस्ट है, बट ना एक्चुअली मैं खुद इस टाइम पे बता नहीं सकता कौन सा बेस्ट है क्योंकि सबके अपने प्रोज एंड अपने कॉन्स हैं।
तो मैं आपको अपना बता देता हूँ, मेरे ख्याल से आपको बीच सब में ही ट्रैवल करना चाहिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्रूज़ के लिए, क्योंकि जो ओशन ग्रीन है वो सबसे पहला क्रूज़, उसमें सबसे बेस्ट क्या है, उसमें आप डेक में जा सकते हैं, सबसे अच्छी चीज़ है, तो ओशन ग्रीन में ट्रैवल करना तो मस्ट है, क्योंकि आप उसमें डेक में जा सकते हैं, और डेक में जाके उन्होंने डांस वगैरह कर सकते हैं, उन्होंने गाने चलाए होते हैं, तो आपका एक डांस वगैरह करके डेक में मज़ा आएगा, फोटोग्राफी आपकी बहुत अच्छी होगी। दूसरा गवर्नमेंट क्रूज़ है, वो बहुत चीप है, वो आपको बेनिफिट है, जहाँ पे हम प्राइवेट क्रूज़ में 1300 रुपीज़ देते हैं, तो वही चीज़ आप गवर्नमेंट क्रूज़ में 620 रुपीज़ में जा सकते हैं, और उसमें भी डेक में जाने अलाउड है, बट आपको गाने नहीं मिलेंगे, डीजे नहीं मिलेगा, बट डेक में आप उसमें भी घूम सकते हैं और फोटोग्राफी कर सकते हैं, बट हाँ वो थोड़ा सा आई थिंक स्लो होता है, और जैसे आपको नई लाइलैंड से पोर्ट ब्लेयर और आना है, तो वो हो सकता है आपको डायरेक्ट ना मिले, आपको वाया हेबलॉक लेके आए, क्योंकि उन्होंने लोकल्स को भी ट्रैवल करना होता है। हाँ बट हाँ, उसकी भी जो 840 वाली सीट्स होती हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं, ऐसा नहीं है कि वन कंफर्टेबल हो, तो आप उसमें भी ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम लिमिट का नहीं हो और आपको बजट में ट्रैवल करना है। और तीसरा आता है मैक्रूज़ और गोनाटिका, वो जो है ये दोनों थोड़ी फास्ट क्रूज़ हैं, टाइम आपका सेव कर देती हैं। जैसे मैं नील आइलैंड से आया था पोर्ट ब्लेयर तक, तो ये मेरा हाफ एन आवर सेव कर रही थी इन कंपैरिजन टू अदर क्रूज़, तो मैंने इसलिए एंड में मेरे को थक गया हुआ था, डेक में जाने का कोई मूड नहीं था, इसलिए मैंने वो नॉटिका प्रेफर करी। आप भी ऐसे ही करिए, पहला जो क्रूज़ करेंगे जब आप पहला ट्रैवल कर रहे हैं पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक, वो करिए ओशन ग्रीन में, ताकि आप डेक का इंजॉय करें, फोटोग्राफी करें, डांस करें। फिर उसके बाद आप हैवलॉक से नील आइलैंड जो जाते हैं उसके लिए आप यूज़ करें गवर्नमेंट क्रूज़, वो आपको अप्रॉक्सीमेट सेम टाइम लेगी और आपका पैसा काफ़ी सेव हो जाएगा। और जो थर्ड क्रूज़ है जो आ जाता है नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर, वो आप लें गो नॉटिका का, ताकि आप अलग तरह का एक्सपीरियंस भी कर सकें और आप जल्दी पहुँच सकें, क्योंकि अब हमें टाइम सेव करना है, ना कि हमें डांस करना है, अब हम थक गए हैं बहुत ज़्यादा, तो हमें टाइम सेव करके जल्दी से वापस पोर्ट ब्लेयर पहुँच के यहाँ का भी थोड़ा बहुत आप मरीन ड्राइव में वॉक कर सकते हैं, यहाँ के जो मरीना पार्क की जो ड्राइव है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास बजट। बजट में जो आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो आएगा अप्रॉक्सीमेटली 5000 के करीब, जिसमें मैं क्रूज़ का खर्चा जोड़ रहा हूँ तो, और स्कूटी का खर्चा भी जोड़ रहा हूँ। उसके अलावा आप जो खाना खाते हैं वो डिपेंड करता है आप वेज हैं कि नॉन वेज हैं, और आप सी फूड कितना खाना प्रेफर कर रहे हैं। मैंने सी फूड काफ़ी ज़्यादा खाया तो मेरा 5000 के करीब खाने का खर्चा आया। उसके बाद आता है फ्लाइट्स का खर्चा। फ्लाइट्स का खर्चा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आता है, 15-20,000 आपका राउंड ट्रिप का फ्लाइट का खर्चा आ जाएगा। और उसके बाद आता है यहाँ पे होटल्स का खर्चा। तो होटल्स का खर्चा जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला होटल 1200, सेकंड होटल 1500, थर्ड होटल अगेन 1500। होटल के खर्चे के बाद आपका मेजरली जो खर्चा बचता है मिसलिनियस, वो आप 2000 रुपीज़ मान के लिए चलिए, जिसमें आप अपना बाकी सब कुछ क्या कहते हैं शॉपिंग एंड छोटा मोटा चिप्स हो गया या छोटा मोटा पानी हो गया, इन सबको आप इंक्लूड करके आप ये आपका ओवरऑल खर्चा आएगा अगर आप इस यहाँ पे आने चाह रहे हैं। ये मैं पर पर्सन खर्चा बता रहा हूँ, उसके हिसाब से आप अपना को मल्टीप्लाई या जो भी आपको करना है उस हिसाब से कर सकते हैं आपके अपने फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग। अब मैंने आपको फाइनली टोटली कंक्लूड कर दिया है, अब अपना ट्रिप को इस हिसाब से नोट कर लीजिए कि आपने किस में मैंने क्या क्या इंक्लूड किया है, और उस नोट्स को फाइनली देख के एक अपना ट्रिप को बहुत अच्छे से प्लान करिए, और यहाँ पे अंडमान निकोबार ज़रूर आइए, बहुत सुंदर जगह है, बहुत मज़ा आने वाला है, चाहे आप सोलो आ रहे हैं, चाहे फैमिली के साथ आ रहे हैं, चाहे फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, चाहे हनीमून पे आ रहे हैं, अंडमान निकोबार बहुत सुंदर जगह है, ज़रूर आइए और यहाँ पे आके फुल इंजॉय करिए, और हमारी जो जन्नत है जो ज़मीन पे जो अनटच्ड पैराडाइज है उस चीज़ को आप खुद से एक्सपीरियंस कीजिए, तो यहाँ की वाइट सैंड्स और ब्लू वाटर में अपने आप को घुमा दीजिए। थैंक यू अगेन, सबको नमस्कार, जय माता दी और अलविदा।